नमस्कार दोस्तों। और आज हम भारतीय संविधान के 100 महत्वपूर्ण तथ्यों पे देखेंगे। ये बेसिकली सब मैंने कलेक्ट करे हैं और संविधान से जिन लोगों को संविधान के बारे में मालूम है उनको ये शायद आसान लगे, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए एक अच्छी नॉलेज के लिए है। बेसिकली ये सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं और ये कंपटीशन में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान 100 महत्वपूर्ण तथ्य है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन राज्य सरकार पर निर्भर करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के तात्पर्य से राज्य में किसके शासन पर है? तो यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तो उस राज्य में राज्य के राज्यपाल का शासन हो जाता है, जिसको राष्ट्रपति ही निर्वाचित करते हैं। राष्ट्रपति राज्यों में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना हो तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वह है अनुच्छेद 356। राज्यसभा के पदन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदन अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो यदि भारतीय संविधान राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था नहीं प्रदान करी है इन्होंने। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ये संसद द्वारा हटाए जा सकते हैं और इन पे एक महाभियोग लगाकर ही इन्हें हटाया जा सकता है, जिसे अंग्रेजी में इम्पीचमेंट प्रोसेस भी कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो ये लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्यों द्वारा चयनित किए जाते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? यह संसद सत्र शुरू होने पर होती है। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? ये नवीन अखिल भारतीय सेवाएं शुरू करने का अनुमोदन करना, यह राज्यसभा को प्राप्त है, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज जिन्हें कहा जाता है। राष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो यदि राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें या उनकी मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति ले लेते हैं, और ये कितने वक्त तक कर सकते हैं? तो ये अधिकतम 6 महीने की अवधि तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? तो यह 26 नवंबर 1949 को किया गया था, 1949। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? तो हमसे पूछा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है, तो हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। बिक्री कर कौन लगाता है, यानी कि सेल्स टैक्स कौन लगाता है? यह राज्य सरकार लगाती है। यह सवाल कई महत्वपूर्ण एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी रहती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है? तो यह 30 वर्ष है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? यदि कोई राजनीतिक दल है और वो राष्ट्रीय दल के रूप में उसे मान्यता दी जाए तो वो कितने क्या उसके मापदंड है? तो यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, तो ये एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल में, जैसे कि आप अभी फिलहाल एक राजनीतिक दल है, लेकिन यदि वो 4 या 5 राज्यों में सरकार ला देता है या फिर वहां से इलेक्शन लड़ता है तो एक राष्ट्रीय दल में कन्वर्ट हो जाएगा। संविधान को के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी किस आर्टिकल में
संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का पूछा गया है, तो ये अनुच्छेद 368 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालयों की जजों की सेवानिवृत्ति की क्या आयु है, यानी रिटायरमेंट एज क्या है? तो ये 65 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। भारत का अनुच्छेद 19। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के तथा राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की सलाह ली जाती है। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो ये सिर्फ एक बार लौटाया जा सकता है। संविधान की उपदेशिका में क्या वर्णित है? तो इसमें समाजवादी पंथ, निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बारे में वर्णन दिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत की मतदान आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये 61वां संशोधन बिल था। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो तभी उन्हें हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो ये सवाल है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है और ये सिर्फ अकेली संसद द्वारा ही किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये 85वीं 85वीं आर्टिकल है, 50वां 85। भारत के संविधान किस वर्ष में लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान की नीति निदेशक तत्वों के समावेशन का क्या उद्देश्य है? तो ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है इसका उद्देश्य। रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 1919 में लाई गई थी रॉलेट एक्ट। और आपका जलियांवाला बाग कांड भी इसी इन्हीं साल में हुआ था। किस अधिनियम द्वारा भारत की सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था? तो ये 1919 में लाया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो ये 56 वहाँ हुआ था और ये 1962 में हुआ था। आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे द्वारा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय निकालता है। वो राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है वह कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र से आते हैं। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वह कौन है? तो वो लोकसभा और राज्यसभा है। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो ये भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू, ये केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ये संसद सत्र शुरू होने पर की जाती है। भारत के राष्ट्रीय आय की सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो ये तृतीय सेक्टर से आता है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? एक बिल जिस पर दोनों सदनों राजी नहीं हो, तो ये डेडलॉक सिचुएशन में किया जाता है। दोनों सदन साथ बैठते हैं और इसे लोकसभा के स्पीकर द्वारा इसको गठित किया जाता है, संचालन किया जाता है। भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? तो ये इंडिया दिया गया है। संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं? तो हिंदुस्तान में 3 तरीके की इमरजेंसियां लगाई जा सकती हैं। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, यानी सबसे ज्यादा इलेबरेट, सबसे ज्यादा बड़ा संविधान है भारत का। भारतीय संविधान में कितने तरीके तरह के आपातकाल प्रावधान किए गए हैं? तो ये 3 प्रकार के हैं,
भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के पास रहता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत करता है और उच्च न्यायालय 224 के अंतर्गत। महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद, इनमें से संविधान के पांचवें भाग का वर्णन किसको मिलता है? तो ये सभी को मिलता है। पांचवें भाग में इन सभी के बारे में जानकारी है। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है? तो ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। कौन सा विधेयक राज्यसभा में सबसे में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो ये धन विधेयक है। धन विधेयक को पहले राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, ये सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है। भारत की राज्य विधायिका बनती है गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। यदि वहां पे उस राज्य में विधान परिषद है तो उसके द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये 85वां है और 85वां है, और ये मैंने शायद पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना किसी व्यक्ति कब मंत्री बना रह सकता है? तो ये 6 माह तक रह सकते हैं, 6 महीने तक। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद द्वारा, ये सवाल भी पहले हो चुका है। संविधान सभा में सदस्यों ने भारत संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे क्या थे? विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित सदस्य थे। भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ द्वारा दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? तो यहाँ पे भारतीय संघ और अमेरिकन संघ के सामान्य लक्षण पूछा जा रहा है। तो संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों में समान है। राज्यपाल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति कौन सी है? अध्यादेश जारी करना। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है 14 वर्ष से कम आयु के बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? तो ये अनुच्छेद 24 में लिखा गया है। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में वर्णन दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन किया गया है? लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान, ये सवाल भी कई दफे पूछा जा चुका है अनुच्छेद 330 के विषय में। कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? संविधान संशोधन संबंधी बिल। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड बिल दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होना जरूरी होता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं? तो ये टोटल 22 भाषाएं दी गई हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 51A में है। संविधान के 42वें संशोधन में क्या जोड़ा गया है? तो ये धर्मनिरपेक्षता जोड़ी गई है। संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? तो ये हिंदू महासभा संविधान के निर्माण में नहीं शामिल थी। कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, ये राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष के लिए चयनित किए जाते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ये राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सम्मति किस समिति ने प्रकट की? तो ये संयुक्त संसदीय समिति थी जिन्होंने पंचायती राज पे से संबंधित संविधान के विधेयक पर अपनी सम्मति प्रकट की थी। भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास,
आस्था और उपासना। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 368 है। संविधान में संशोधन किससे नहीं किए जा सकते? तो ये जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें किसी को भी भंग नहीं किया जा सकता है, ये किसी भी समय पर भंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा, इसलिए इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों में कौन नहीं थे? तो इसमें महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे। सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? तो ये भारत के पास ये गर्व है। दो या अधिक राज्यों एवं संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है। कौन भारत के संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो ये बी एन राव थे। 31वीं अक्टूबर 1947 को जब भारत का संविधान सभा पूर्ण गठित हुई, तब घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि जब संसद भारत की संविधान सभा को दोबारा से गठित किया गया तब घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? तो ये एक कम 300 थी, 299। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो ये संसद है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये 30 वर्ष है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसी के द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये विधानमंडल द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ये जरूरी सवाल है। तो ये बेराबूरी मुकदमा था। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिए फैसले पर पुनर्वलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो अनुच्छेद 137 है ये, 1937, 137। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12 सदस्य होते हैं। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण कौन करता है? तो ये संसद करती है। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य द्वारा किया जाता है ये। भारत की सशस्त्र, ये सवाल दोबारा आ गया है, राष्ट्रपति करते हैं ये, राष्ट्रपति हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा का पदन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदन अध्यक्ष। ऑल इंडिया इंडियन सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। गलत लिख दिया गया है, यहाँ राष्ट्रपति लिखा गया है। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकता? संसद सदस्यों के बिना। आसान सवाल। संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है? ऐसे बिल पर विचार और उसे पारित करना है जिस पर दोनों सदनों का मतभेद हो, यानी डेडलॉक सिचुएशन। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा अभियोग लगा के ना हटाया जा सकता है, ये एक इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, ये चलचित्र देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को ऐसे और चलचित्र देखने के लिए इसके सदस्य बने, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।